माजरा है 27 जनवरी का, जहां 21 वर्ष के संध्या आर्मू, जो कि महाकौशल कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है, सुबह लगभग 11:30 पर मोबाइल से बात करते हुए कॉलेज जा रही थी। जैसे ही इलाहाबाद बैंक चौक के पास पहुंची, तभी पीछे से एक बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए। पीछे बैठे लड़के ने झपट्टा मारकर संध्या के हाथ से मोबाइल छीन लिया और दोनों भागने लगी। तभी संध्या ने दौड़कर पीछे बैठे लड़के की जैकेट पकड़कर खींच दी, जो धक्का मुक्की कर भागने का प्रयास करने लगा, जिससे आसपास के लोगों ने दौड़कर पकड़ लिया और मोटरसाइकिल चलाने वाला तेजी से भाग गया। बात कर रही थी उस समय, पीछे से दो लड़के आए और मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर मैंने उनसे दौड़ लगा के उनको पीछे से, मतलब एक लड़के को खींच ली, वहाँ से वो गिर गया। फिर वहाँ के मतलब आसपास वाले सब लोग आके पकड़ लिए। फिर वहाँ से वो पुलिस वाले आ गए थे, सिविल लाइन थाने ले गए। वहाँ से फिर वो टेढ़ी नींद ले गए सर, वहाँ से उसकी माँ को उठा के लेकर आए। फिर वो आए जो लेके गए थे मोबाइल, एक निकल गए थे, वो आए थे मोबाइल लेके। अच्छा, उसको आपको मोबाइल मिल गया? फिर मोबाइल मिल गया। अच्छा, इसके लड़के डर नहीं लगा आपको? लड़के बदमाश हैं वो? हाँ, लग रहा था, लेकिन वहाँ सब लोग आ गए थे। आपने एक साहस का परिचय दिया है, बाकी तमाम वहाँ पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद फरार आरोपी को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया। इस दौरान एएसपी ने बहादुर लड़की को सम्मानित करते हुए कहा कि संध्या ने लुटेरों को पकड़कर पुलिस की मदद की है। ही अत्यंत साहसिक उन्होंने ये कदम उठाया और सबको ये कर दिखाया कि बिल्कुल किसी से डरना नहीं है। और उनके साथ जैसे मोबाइल लूट की घटना कारित हुई, उन्होंने तत्काल खुद दौड़ लगा करके लुटेरों को दबोचा और उनका मुकाबला किया, जिस कारण से पुलिस भी इस मामले का पर्दाफाश करने में हमको भी बहुत मदद मिली। और हमने वो उसके साथ जिन्होंने इनको पकड़ा उनके साथ एक अन्य उनके साथी थे, उनको भी हमने धड़ दबोचा। कुल मिला के ये कुमारी संध्या आर्मू, जो कि मूलतः बरगी की निवासी, इनके द्वारा ये अत्यंत साहसिक कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप आज उनको यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। थैंक यू। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बच्चे ने माता पिता का सम्मान बढ़ाते हुए बच्चों और युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल पेश की है। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।